जय श्री शंभू, हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा में पूज्य गुरु जी ने अमावस्या को करने वाला उपाय बताया है। यह उपाय को करने के बाद आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है तो कभी भी कम नहीं होगी। जीवन भर आपके घर में लक्ष्मी निवास करेंगी। आपके घर में रोग प्रवेश नहीं कर पा सकता है। आपके शरीर में यदि बड़ा से बड़ा रोग है तो भी खत्म हो जाएगा। जीवन में कितना बड़ा से बड़ा दुख हो या हो कष्ट, जिस दिन अधिक मास की अमावस्या हो और दूसरे दिन से फिर सावन शुरू होने वाला हो, उस दिन यानी कि अधिक मास की अमावस्या जिस दिन हो उसके अगले दिन आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। बहुत ही अच्छा उपाय है और इससे कई लोगों को लाभ भी मिला है। और अमावस्या जो है अधिक मास का 16 अगस्त को पड़ेगा, तो यह उपाय आप बहुत ही ध्यान से सुने। तो सबसे पहले वीडियो को कर ले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप 16 अगस्त के दिन लेना है आपको एक कनेर का पुष्प और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अधिक मास की अमावस्या के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग के पास 33 करोड़ देवता खड़े होकर अपना भंडार और अपने जीवन का सारा पुण्य मनुष्यों को प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय सावन मास के अधिक मास में ही किया जाता है। जो अधिक मास सावन मास के मध्य पड़ता है केवल उसी दिन करना है। इसके अलावा और महीने के पड़ने वाले अधिक मास में इस उपाय का कोई भी प्रमाण नहीं है। तो आप लोग को लेना है 16 अगस्त के दिन एक कनेर का पुष्प और शिवालय में आप जाइए। भगवान शंकर को पहले आपको भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर देना है, और जो 33 करोड़ देवता हैं उनका आशीर्वाद, उनका पुण्य आपको प्रदान होगा और आपके घर में चली आ रही दिक्कतों का समाधान होगा। तो आप लोग इस उपाय का जरूर से जरूर लाभ उठाएं। और पूज्य गुरु जी के सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही नए वीडियो में आपके साथ शेयर किया करूंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री शंभू।